यमुनानगर में आज 3 और कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये लोग शहर के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। इनमें से एक न्यायिक परिसर में काम करने वाला कर्मचारी है। इसी के चलते इलाकों को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया, साथ साथ कंटेनमेंट जोन बनाकर लोगों के सैंपल लिए जाने की कार्यवाही भी शुरू हो गई है। यमुनानगर के मॉडल टाउन दशहरा ग्राउंड एवं कांसापुर होली मदर स्कूल के अलावा फरकपुर में एक व्यक्ति आज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जो व्यक्ति होली मदर स्कूल के पास रहने वाला है, वह न्यायिक परिसर में काम करने वाला कर्मचारी है। जिला उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि अब तक यमुनानगर में कुल 95 कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिनमें से 6 अन्य राज्यों से संबंधित हैं और इस समय 61 एक्टिव कोरोना केस यमुनानगर में है, जिन्हें कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए कई तरह की पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई हैं, ताकि उनका ध्यान इधर से उधर ना भटके। वहीं जिले में अब 58 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। यहाँ जिले में कुल मिला के 95 केसेज हैं, जिसमें 6 केसेज आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट हैं। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर 89 केसेज हैं हमारे, आज भी 3 केसेज डिटेक्ट हुए हैं। तो इसमें हमारे 61 एक्टिव केसेज हैं जो जिले में हैं, और बाकायदा कंटेनमेंट की प्रोसेस आज जो केसेज हैं उसमें करी जा रही है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोविड हॉस्पिटल है उसके अंदर हमने फैसिलिटीज क्रिएट कर दी हैं, जो मोटिवेशनल स्पीचेज हैं उसका भी हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे चलती रहती हैं। 6 पॉजिटिव मॉरल बुक्स भी वहाँ पे रखवा दी हैं, और लोगों को एंगेज करने के लिए जितने भी छोटे गेम्स हैं वो भी हम रखवा रहे हैं, ताकि लोग बिजी रहें। तो लोगों का मनोबल ऊपर करने के लिए काउंसलर जो हैं वो रिपीटेडली वहाँ पे जाते रहते हैं और उनसे बात करते हैं। सर, फरकपुर में सर एक दशहरा ग्राउंड है, फरकपुर में है दशहरा ग्राउंड में और कांसापुर में कंटेनमेंट जोन 58 हो जाएंगे आज।